नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी वन इंडिया न्यूज, आजाद भारत की आवाज। मैं हूं अरिशा सिद्दीकी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। बड़ी खबर बदायूं से है, जहां नाबालिग बच्ची के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पूरा मामला बदायूं जिले के उसैहत थाना क्षेत्र का है, जहां 6 वर्षीय बच्ची के साथ दूसरे समुदाय के युवक ने 5 रुपए का लालच देकर गुप्तांग से छेड़छाड़ करने का प्रयास किया। घटना के बाद हिंदू समुदाय में आक्रोश की स्थिति बन गई है। कई हिंदू संगठनों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और आरोपी को फांसी देने की मांग की है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात हो गया और साथ ही उजहानी के क्षेत्र अधिकारी शक्ति सिंह तथा दातागंज SDM भी मौके पर पहुंच गए। किसी तरह हिंदू संगठनों को समझा बुझाकर मामले को शांत करने में पुलिस जुट गई और दुकानदार वर्ग ने अधिकांश बाजार बंद कर दिया है। वहीं पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करके आरोपी को हिरासत में ले लिया और पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजने की तैयारी में जुट गई है। तो उसने 5 रुपए का लालच दे के उसे दुकान में खड़ा कर दिया और उसने गलत काम करा। कौन है ये? तारिक है, मुसलमान। अब आप क्या चाहती हो? कल दिनांक 6/10/2024 को जनपद बदायूं के थाना उसैहत में पीड़िता की माता द्वारा भारतीय न्याय संहिता व पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कराया था, जिसमें आज उसैहत की पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा इसमें अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बदायूं से वीरपाल सिंह की रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया न्यूज।